हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू गुंडा। ये बहुत ही इजी तरीके से और आप बिना हाथ लगाए इसको तेल में तल सकते हैं। चलिए कैसे हो सकता है ये मैं आपको अपनी रेसिपी में बताती हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए और फॉलो कीजिए। जी फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू गुंडा बिल्कुल होटल स्टाइल। ये मैंने लिया है बेसन। अब बेसन में मैं हल्का सा थोड़ा सा अदरक का आटा डाल देती हूँ थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए। वैसे तो बेसन फ्राई होके क्रिस्पी हो ही जाता है, इसमें हल्का सा अरारोट डाल देती हूँ। उसके बाद एक चिमटी के करीबन खाने का सोडा, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं हींग डाल दी इसमें। अब इसमें पड़ेगा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। और हम जो बनाने जा रहे हैं आलू गुंडा, उसका मैंने आलू का जो स्टफिंग रहता है उसको मैंने बना लिया है। देखिए ये आलू का स्टफिंग आलू का चोखा बोल सकते हैं, आलू का चटनी बोल सकते हैं, जनरली ये तो आप अपने घर में बनाते ही हैं। ये मैंने पहले से बना के रख लिया है। इसमें पड़ा है आलू, हरी मिर्च, हरी धनिया, मीठा नीम पत्ता और प्याज और थोड़ा सा मैंने फली कूट के डाल दिया है। बस बन गया हमारा आलू का चोखा या आलू की चटनी। अब चलिए इसको मिक्स करते हैं। अब इसमें हम लोग उतना ही पानी मिलाएंगे जितना ये गाढ़ा घोल बन जाए। आप चाहे तो इसको चम्मच से कर सकते हैं। देखिए ये ग्लास है, नॉर्मल ग्लास, इसमें मैंने पूरा पैक नहीं था पानी। पानी की मात्रा इतनी रही होगी, इससे भी थोड़ी सी कम। और हमारा घोल अभी गाढ़ा है, इसमें और पानी डालना है। चलिए थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। इसका जो घोल रहता है ये गाढ़ा ही रहेगा, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे से फेंटेंगे हम लोग। इसको अच्छे से घुमा के फेंटते हैं। आप चाहे तो अरारोट का जो आटा है उसको स्किप भी कर सकते हैं, प्योर बेसन से ही बना सकते हैं। मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बता रही हूँ। मैंने वैसे ही बेसन का, प्योर बेसन का एक बार और बनाया है और वीडियो डाली हूँ मैं। अब चलिए एक घोल हमारा रेडी हो गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा पतला नहीं और थोड़ा सा गाढ़ा। अब ये जो आलू है इसके चले हम लोग गोले बना लेते हैं। मैं इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ धनिया की पत्ती। देखिए मैंने ये रोल बना लिए हैं। अभी मिक्सचर है, इसको एक बार और मिक्स कर देते हैं हम लोग। और इसमें फिर उसको डिप कर देते हैं। देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है, अब ये हम रोल्स डाल देते हैं। ऐसे ही मैं सेकंड रोल भी डालूंगी। देखिए आप बिना हाथ लगाए कैसे बना सकते हैं। बस एक चम्मच की सहायता से ये हमारा आलू गुंडा बनके रेडी हो रहा है।
चलिए इसको हम लोग पलट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और जैसे ये दिख रहे हैं वैसे क्रंची और टेस्टी भी हैं। चलिए ये हो गए हमारे आलू गुंडे, चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड ये हमारा आलू गुंडा बन गया है, देखिए कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना है। चलिए आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आप लोग के पास ऐसे ही छोटे छोटे टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट ला सकूँ।